एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव के बाद बड़ा जीत के चर्चा कम हो रहा बा, ओजा नीतीश कुमार के चर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा बा। पूरे देश भर में नीतीश कुमार एक बार फिर से चर्चा में बाँध वो अपना आइडियोलॉजी से, अपना निर्णय से और एक तरीका के निर्णय और फैसला से अक्सर नीतीश कुमार चौंकौले बड़े। गौर लगता है स्वागत बरुआ के न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। भारत लाइव हर खबर से रुआ लोग के जुड़ेला, जौना से रुआ के सीधा सीधा सरोकार बुड़ुए। खास करके जब बात बिहार से जुड़ल होके तो बिहार के बात में नीतीश कुमार के रुआ अलग करके कोई भी राजनीतिक बात ना कर सकी है। नीतीश कुमार जी पिछले 14 साल से बिहार में मुख्यमंत्री बानी और एक सुलझन नेता के रूप में, राजनीतिक रूप से पूरा परिपक्व नेता के रूप में हर निर्णय बड़ा सटीक ठोक बजा करके और त्वरित होला। ये सब के फायदा नीतीश कुमार के लगातार मिल रहल बा। रुआ याद होई कि 2014 में के पहले 2013 में उनका एगो फैसला रहे जौना में वो एनडीए से अलग हो गई रहन। एनडीए से अलग हो गया के बाद एक झटका उनका जरूर लग रहा है, देश के मिजाज भी उस शायद भापे में वो घड़ी थोड़ा सा एने ओने भइल, लेकिन ओकरा से फायदा उनका जरूर हो गई। फायदा ये हो गई कि वो एक जमात के और एक अलग तरह के नेता के रूप में उभर के सामने आ गए और देश के जितना विपक्षी पार्टी रही उनका के नरेंद्र मोदी के समकक्ष खड़ा करे लगली। ये बहुत बड़ा फायदा नीतीश कुमार के उघरी हुई है। जना घरी 2013 में नरेंद्र मोदी के साथ छोड़ के, यानी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ छोड़ करके और अपन के अपना के अलग कर ले रहा, कोई गठबंधन का हिस्सा ना रहा। 2014 में उनका मात्र 2 लोकसभा सीट प्राप्त हुई रहे, लेकिन एकरा बाद जो चर्चा उनकर शुरू भइल वो चर्चा उनका के बिहार में नरेंद्र मोदी के बहुत बड़ा नाम के बाद भी बिहार के मुख्यमंत्री पद पर फिर से आसीन किलस और वो भी बड़ा जीत के साथ, जहां महागठबंधन बनावे में नीतीश कुमार जी पहल कैले और उनकर विरोधी जो लगातार 10 साल से जेकरा संगे एकदम 36 के आंकड़ा रहे उनका संगे 63 के आंकड़ा हो गई। हम बात करता नहीं आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के, लालू प्रसाद और कांग्रेस, कांग्रेस के ऐसे भी सॉफ्ट कॉर्नर नीतीश कुमार जी के प्रति रहेला और शुरू से रहल बा, चाहे वो अलग दल में होकस, अलग गठबंधन में होकस या जहां भी होकस, लेकिन कांग्रेस नीतीश कुमार जी के सीधा सीधे टारगेट ना करेला, ना नीतीश कुमार जी कांग्रेस के कभी सीधा सीधा टारगेट कैले बड़े। अब एकर फायदा नीतीश कुमार के कैसे कैसे मिलत चल गई, तो जब 2013 में अलग भइले एनडीए से तब भी उनका फायदा मिलल, फिर दोबारा जब 2015 में विधानसभा चुनाव भइल तो मुख्यमंत्री बन के अइले, लेकिन 2017 में एक बार फिर से नीतीश कुमार जी एक बैग रातों रात या कहल जाए तो घंटा मिनट में फैसला ले ले कि वो महागठबंधन से अलग हो जाइए। महागठबंधन जौना महागठबंधन के निर्माण खुद नीतीश कुमार जी पहल करके कैले रहन और ओकरा में उनका बेहतर पोजीशन आई रहे, महागठबंधन में एनडीए के हरा करके और नीतीश कुमार जी जहां आरजेडी के 81 सीट मिल रहे, नीतीश कुमार जी के 71 सीट मिल रहे और कांग्रेस के 27 सीट मिल रहे, एकरा बावजूद 81 सीट लेवे वाली आरजेडी नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनावे खातिर हर तरह से तैयार रहे, पलक पावड़ा बिछा के रखले रहे और एक लंबा समय के बाद नीतीश कुमार जी के ही उस साथ हुए कि आरजेडी के दोबारा सत्ता में एक लंबा समय के बाद आवे के मौका मिलल, लेकिन इस संबंध लंबा ना चलल और नीतीश कुमार जी एकरा के संबंध के खत्म कर दिले। अब ये संबंध के खत्म भइला के बाद नीतीश कुमार जी फिर से एनडीए में आ गए और एनडीए में आइला के उनका फायदा डबल फायदा आपके ही मिल गई और डबल फायदा भइल कि जहां बिहार में मजबूर होकर के भारतीय जनता पार्टी के अपना सीट के कम करके नीतीश कुमार जी के 17 सीट देवे के पड़ल, जौना में 16 सीट नीतीश कुमार जी के पार्टी जीत के आइल बा। एकरा साथ साथ जो डबल फायदा के बात कहनी है वो ये भइल कि एक राज्य में नीतीश कुमार जी अपन आधिपत्य बिहार के अलावे जमा ले ले और एकरा से उनकर पार्टी काफ़ी खुश और लवरेज बा। अरुणाचल प्रदेश में 7 सीट विधानसभा के जीत करके बहुत बड़ा लैंडस्लाइड कहल जाओ या फिर कहल जाओ तो एक और राज्य में नीतीश कुमार जी के परचम लहरा रहल बा, ओजा उनका पार्टी के दर्जा भी मिल गई और सिम्बॉल भी अलॉट हो गई जो उनका तीर सिम्बॉल बा।
एकरा साथ साथ एगो और काम भइल कि नीतीश कुमार जी त्वरित फैसला ले ले और उनकर फैसला रहे कि झारखंड में वो एनडीए के तहत ना अपने स्वतंत्र रूप से अगला चुनाव विधानसभा के लड़ी हैं। ये बहुत बड़ बात बढ़ुए, देखे वाला बात ये हुई कि नीतीश कुमार जी के बढ़ता जौन कद और पद बा एकरा से भारतीय जनता पार्टी कितना भयभीत होता या फिर विपक्ष उनका के कितना ज़्यादा अपना तरफ ले आवे के प्रयास करता। प्रयास शुरू बढ़ुए दोनों तरफ से, जहाँ एनडीए अभी चेक कर रहा बा कि नीतीश कुमार जी कितना तक उनकर उड़ान बा, ऊंचाई कितना तक बढ़ुए नापे के प्रयास जहाँ भारतीय जनता पार्टी कर रहा बा, वही ये महागठबंधन पलक पावड़ा बिछा करके उनका इंतजार में खड़ा बढ़ुए। उनकर विरोधी भी अब उनकर गुणगान करता रहे, चाहे उरुआ पप्पू यादव के बात कर ली, आरजेडी के बात कर ली, कांग्रेस तो पहले से उरुआ के बता देनी, अब एक आदमी और आरएलएसपी जो उनकर कट्टर विरोधी रहे हा उनका तरफ से भी नीतीश कुमार जी के बड़ाई में कसीदा कढ़ल जाते हुए। ये सब बात के लेकर के कहीं ना कहीं आवे वाला राजनीति जोन बढ़ुए, आवे वाला जोन बिहार के जना के राजनीतिक रूप से काफ़ी जागृत राज्य कहा जाला, वह राज्य के जनता जोन बाड़ी वो का फैसला करता रही ये तो वक्त बताई, लेकिन चर्चा जो बहुत गंभीर रूप से शुरू बढ़ुए। पप्पू यादव के बात रुआ से कहीं नहीं है, पप्पू यादव अब यह प्रयास में लागल बाड़े कि कहीं ना कहीं एक ऐसा विपक्ष या तीसरा मोर्चा बनो जौन कि नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के जौन सत्ता बढ़ुए और उनका लगातार विजय रथ जौन निकल गई बढ़ुए और अश्वमेघ के घोड़ा के तरह जौन छोड़ले बाड़न तोना पर विराम लगावल जा सके। एक बार इरुआ याद हुई कि 2015 में नरेंद्र मोदी के जौन जीत के आंकड़ा रहे, जीत के जौन रास्ता बनल रहन, जो उनकर पाथ रहे, अश्वमेघ के घोड़ा जौन छोड़ले रहन, ओकरा के रोके के काम बिहार से शुरू भइल रहे। बिहार के बाद ये कहानी बंगाल में भी दोहरावल गई और यह ना ये 5 साल के अंदर में ऐसा कई गो घटना, कई गो ऐसा राज्य बढ़ुए जौना में भारतीय जनता पार्टी के औकात में लावल गई। ओकरा पीछे सबसे बड़ा कारण रहे ई कि विपक्ष कहीं ना कहीं हावी होत रहे, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के केंद्र में सत्ता जो रहे ओकरा के नाकाम साबित करे में कहीं ना कहीं विपक्ष और जनता तक बात संदेश पहुंचावे में सफल रहे। 3 गो हिंदी पट्टी के राज्य में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के पटकनी दे करके ओकरा बाद लोकसभा में आई रहे। 6 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी से के हाथ से 3 गो राज्य चल गए रहे, लेकिन ओकरा बाद वो चीज के बरकरार ना रख पाओ लोग और ओकर खामियाजा विपक्ष के भुगते के पड़ल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यह बात के अब खुल के कह रहा बान चुनाव के बाद कि कहीं ना कहीं विपक्ष जनता के मिजाज ना भाप पौलस। ये बात के चर्चा अब हर जगह हो रहा बढ़ुए, जितना भी राजनीतिक विश्लेषक बढ़न अब वो दुए को धूरी पर काम कर रहा बान, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार और नीतीश कुमार, यानी कि नीतीश कुमार और बिहार के राजनीति ये दोनों में जहाँ पहले 2015-16 तक 2017 तक केंद्र में लालू प्रसाद रहत रहे हा, वो लालू प्रसाद अब केंद्र से हट गए बड़े, अब यह केंद्र में बिहार के राजनीति के केंद्र में लालू प्रसाद के अलगे हटा करके यानी मात देते हुए नीतीश कुमार नंबर 1 पर आ गए बड़े। नीतीश कुमार के सामाजिक समीकरण के बात कर ली रुआ या फिर सोशल इंजीनियरिंग के बात कर ली, नीतीश कुमार का फैसला बहुत त्वरित होला। रुआ याद होई कि प्रशांत किशोर के वो अपना बहुत करीब ले आई रहन, एकरा चलते पार्टी में विद्रोह के स्थिति रहे और 1 सेकंड भी ना लगल उनका प्रशांत किशोर पर बयान देवे में। वह बात के समझ गिले कि प्रशांत किशोर अकेला ऐसा बा जिनका के अगर वो अपना फिर से छटका दिए हैं तो पार्टी के जन वरिष्ठ नेता बा, जन करीबी नेता बा, उनका मन में पूरा एकजुटता आ जाई और फिर राजनीतिक व्यक्ति और कॉरपोरेट जगत से आयल व्यक्ति में अंतर होला। राजनीति करे वाला लोग राजनीति के हर गुर जानेला। आज प्रशांत किशोर के अपना से अलग कैला के नतीजा हुए कि नीतीश कुमार जी के 17 में से 16 सीट जीत हासिल भइल हुए, 1 सीट जौन हार भइल जदयू के, उस सीट पर भी कहल जा रहल बा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जौन चाही ओजा ना मिल पावल या फिर कोई ना कोई कारण जरूर है, लेकिन 16-17 में से 16 सीट जितना बहुत बड़ा जीत बढ़ुए
और ये जीत खातिर नीतीश कुमार पहले से तैयारी कर दिल रहा। नीतीश कुमार के 2015 के जीत के बाद 16 और 17 में करीब 20 महीना सत्ता में महागठबंधन के साथ रहते, ये बात समझ में आ गई रहे कि अब उनकर ज़्यादा बेहतर बढ़ुए कि वो एनडीए के साथ जुड़ जा, तो आवे वाला समय उनका हाथ में हुई। देखे वाला बात ही हुई कि धूरी में, बिहार और केंद्र के धूरी में नीतीश कुमार के जो फैसला बा केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में ना शामिल होना, वो जैसे लौट करके खुद के मंत्रिमंडल अपना बिहार में विस्तारित करना और विस्तारित करके बीजेपी और एलजेपी के अलग रखना, बहुत बड़ा राजनीतिक रूप से लिहल गई बड़ा फैसला माना जाता। और ये फैसला के असर का हुई 2020 में आवे वाला जो चुनाव बा विधानसभा के, ओकरा में नीतीश कुमार केकरा के और कितना बड़ा टसन दी हैं, ये देखे वाला बात हुई। नीतीश कुमार के लोकालोकी शुरू हो गई बा, यह लोकालोकी में देखे वाला बात हुई कि नीतीश कुमार केकरा तरफ जाता रहा, एक राज्य में और जीत से और दर्जा मिलला से काफ़ी पार्टी में खुशी बा। और एक खुशी के प्रकटीकरण झारखंड में अकेले चुनाव लड़े से शुरू हो गई बड़ुए, कहीं ऐसा था ना कि बिहार में भी नीतीश कुमार के निर्णय भारतीय जनता पार्टी से कुछ ऐसा हुई। सूत्र तो यह बता रहा बड़े कि आवे वाला समय नीतीश कुमार और कांग्रेस के, चूँकि दोनों अलग अलग चले के राह पर अपन विचार कर चुकल बड़े और करे के अंतिम दौर में बड़न, हो सकेला बहुत जल्दी नीतीश कुमार के कोई चौंकावे वाला निर्णय रुआ लोग के सुने के मिल सकेला। एक बार फिर से राष्ट्रपति की यहाँ चिट्ठी नीतीश कुमार दे सकेले। जुड़ा नहीं सब न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ, जैसे ही एक खबर पर कुछ विशेष अपडेट आवत रुए रुआ लोग के सामने हाजिर हो कब, तब तक रुआ लोग देखत रही और भी खबर न्यूज़ बिहार और भारत लाइव पर लगातार जारी बढ़ुए। खबर का सिलसिला कभी बंद ना हुई, 24 घंटा रुआ खबर देख सकेले। एक खातिर रुआ सब्सक्राइब करे के पड़ी और बगल में घंटी बहुत दबावे के पड़ी, मुफ्त में, फ्री में, सेतिया में, एकदम सेतिया में रुआ सब खबर प्राप्त हुई और वो भी घर बैठल। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।